संग्राम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रतीक श्रीवास्तव और आप सुबह से डिजिटल न्यूज पर देख रहे हैं। 28 विधानसभा उपचुनावों में तैनात 56 संवाददाताओं की से प्राप्त पल पल की खबरें। हमने आपको चंबल संभाग के बारे में बताया, हमने मध्य भारत के बारे में बताया, हमने मालवा और निमाड़ की सीटों के बारे में बताया। हर महत्वपूर्ण घटना से हमने अपने दर्शकों को सबसे पहले और सबसे तेज जानकारी दी है। और हम अब आपको ये बता दें कि अब जबकि मतदान का समय समाप्त हो चुका है, लाइन में जो लोग खड़े हैं केवल वे ही वोट दे पाएंगे। और बड़ा भारी उत्साह के साथ मतदाताओं ने वोट देने के लिए वो बाहर आए हैं। और ऐसा अनुमान है कि अभी तक की जो सूचनाएं आ रही है, विभिन्न क्षेत्रों से सूचना आ रही है, चाहे सुवासरा से हो, ब्यावरा से हो, सावेर से हो, जो सूचनाएं प्राप्त हो रही है उसके मुताबिक 75% से अधिक मतदान लगभग सभी जगह हो गया है। और मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं होगा अगर मतदान का प्रतिशत 80 तक पहुंच जाए। मेरे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार और न्यूज हेड अरविंद तिवारी जी, जो पूरा ग्वालियर चंबल संभाग का दौरा करके आए थे। आज सुबह से लगातार वे सावेर क्षेत्र के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश का अपडेट ले रहे थे। हम उनसे जानेंगे कि इस बड़े हुए वोटिंग प्रतिशत का क्या असर होगा, क्या कयास उसके लगाए जा रहे हैं। अरविंद जी, आपका स्वागत है। प्रतीक जी, सबसे पहले तो जो टर्नआउट आज होता दिख रहा है, मुझे लग रहा है कि शाम 6 बजे तक जो मतदान की अवधि समाप्त हो गई, फाइनल कैलकुलेशन होते होते परसेंटेज का 1 घंटा करीब लगता है। और हमने तो इंदौर में रात को 10 बजे बाद भी परसेंटेज बदलते हुए देखा, इवन दूसरे दिन भी परसेंटेज बदलते हुए देखा। तो मुझे ऐसा लग रहा है तो एक ये जो हेवी टर्नआउट हुआ है, ये लोकतंत्र के लिए एक बहुत सुखद संकेत। जो सरकार का प्रयास था, चुनाव आयोग का प्रयास था कि ज्यादा से ज्यादा वोटर मतदान के लिए निकले। 66% तो अभी अधिकृत तौर पर है 4 बजे तक का, मुझे लग रहा है। और सावेर का जो आंकड़ा 5 बजे का हमारे पास आया, वो 74% का आ गया, तो बहुत एक अच्छा संकेत है। जो मतदान का प्रतिशत बढ़ाने के लिए करोड़ों रुपए मुख्य चुनाव में सरकार ने खर्च किए थे, चाहे वो विधानसभा का मुख्य चुनाव हो या लोकसभा का, उस दौर में जो मेहनत की, मुझे लगता है। अरविंद जी, बड़ी बात यह है कि ये कोविड का काल है, जिसमें का काल है, समय लग रहा है। तमाम पूर्वानुमान गलत साबित होगा कि कोविड के इस दौर में मतदाता नहीं निकलेंगे, वोटिंग के लिए बाहर नहीं आएंगे। और सरकार को जो प्रचार प्रसार करना पड़ा कि आप सुरक्षित रहिए, आइए, और तमाम इंतजाम जो किए पोलिंग बूथ पे, आज नजारा देखने लायक था। ग्लव्स, सैनिटाइजर, मास्क। आप वैसे, मैंने एक बात यह भी देखी आज कि ज्यादातर मतदाता बहुत जागरूक थे। मैंने कई पोलिंग बूथ पे मैं सावेर विधानसभा क्षेत्र के, और मैंने वहां तैनात पहले तो मैंने जो प्रत्यक्ष तौर पे देखा कि अधिकांश मतदाता मास्क लगा के आए थे। वहां तैनात कर्मचारियों ने भी इस बात की पुष्टि की कि लोग बहुत जागरूक थे, मास्क लगा के आए थे। कुछ ही लोग ऐसे थे जो मास्क लगा के नहीं आ रहे थे, उन्हें मास्क उपलब्ध कराए गए, सैनिटाइजर की व्यवस्था थी, ग्लव्स की व्यवस्था थी। तो एक तो बहुत सुखद संकेत है वोटिंग का, एक इतना अच्छा परसेंटेज जाना। जहां तक रही बात कि इतना परसेंटेज जो बढ़ा जा रहा है, मतलब उम्मीद से विपरीत, वो किस दिशा में संकेत दे रहा है? प्रतीक जी, आपका राजनीतिक अनुभव, राजनीतिक क्षेत्र, कई चुनाव आपने कवर किए, मैंने भी चुनाव किए, और हमारा अनुभव ये कहता है कि अधिक मतदान दो ही कारणों से होता है। एक तो किसी बात को लेकर यदि बहुत असंतोष है, बहुत नाराजगी, आक्रोश हो तो उसकी परिणति होती है। दूसरा है कि कोई ऐसा मुद्दा हो जिसपे लगता है कि हाँ, सरकार ने बहुत अच्छा काम किया, जो जनप्रतिनिधि थे वो अपेक्षाओं पे खरे उतरे, जनता उत्साहित हो जाए, कोई ऐसा निर्णय जो लगता है जनता को कि हाँ, अभी तक के जो निर्णय वो ठीक थे और आगे भी हमें अच्छे निर्णयों की, मध्य प्रदेश के हित में अच्छा कुछ होने की संभावना, तो वो भी एक हेवी टर्न आउट का कारण बन सकता है। लेकिन इस बार मतदाता मौन था, और लोकतंत्र में मतदाता की जो खामोशी है वो कभी कभी बड़ा पशुपेश में डाल देती है, और मुझे इस बार भी लगभग वही स्थिति नजर आ रही है। और ये खामोशी 10 तारीख को जब खुलकर सामने आएगी तो पता चलेगा कि ये बड़े हुए मतदान का प्रतिशत क्या है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के, लगातार हम पैनल डिस्कस कर रहे थे मैं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ, और भारतीय जनता पार्टी का ये मानना है कि जब बढ़ता है मतदान, जब ज्यादा मतदान होता है तो वो भाजपा के पक्ष में जाता है, क्योंकि भाजपा का जो कमिटेड वोट है, जो संभ्रांत और एलिटेड एजुकेटेड वोट है, एलिट क्लास का वोट है, वो निकल कर बाहर आता है। और वैसे भी प्रतीक जी, भारतीय जनता पार्टी वोटर को घर से बूथ तक लाने के लिए हर चुनाव में जो मशक्कत होती है वो भारतीय जनता पार्टी में होती है। कांग्रेस ने उस दिशा में इस बार चलने की कोशिश की, पन्ना प्रभारी बनाए कमलनाथ ने और उनको जिम्मेदारी सौंपी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत व्यवस्थित है। कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपते, ईमानदारी से निर्वहन करते, और दूसरा कार्यकर्ता को जो जिम्मेदारी सौंपी जाती है उसकी मॉनिटरिंग किसी न किसी स्तर पर होती है। तो इसलिए जो आप कह रहे हैं कि ये जो कमिटेड वोट है, इस बार भाजपा ने तय किया था कि हमारा वोट या हमारा कमिटेड वोट या हमारे कार्यकर्ता का वोट 50% वोट 12 बजे तक गिर जाना चाहिए। जी अरविंद जी, मैं बात करूंगा आपसे ग्वालियर चंबल संभाग की। आपने वहां
लगभग 8-9 दिन बिताए और वहां से आज सुबह से मैं देख रहा था कि आपके पास अपडेट्स आ रही हैं। महगांव में गोलियां चली हैं, सुमावली में हिंसा हुई है, गोहद में तो हालत यह है कि तीनों प्रमुख उम्मीदवारों को जो है एक कमरे में सर्किट हाउस में बंद कर दिया गया है। तो किस तरह की सूचनाएं हैं आपके पास चंबल संभाग की? देखिए प्रतीक जी, ग्वालियर चंबल संभाग की जो 16 सीटें हैं वो इस बार मध्य प्रदेश की सत्ता के फैसले में सबसे अहम भूमिका निभाने वाली। कांग्रेस ने पूरी ताकत लगा दी है कि ग्वालियर चंबल संभाग से भाजपा को अपेक्षित सफलता न मिले। वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रतिष्ठा का प्रश्न ग्वालियर चंबल संभाग इसलिए कि ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर चंबल संभाग से, नरेंद्र सिंह तोमर ग्वालियर चंबल संभाग से और वीडी शर्मा ग्वालियर चंबल संभाग से। वीडी शर्मा की होम कॉन्स्टिट्युएंसी दीवनी ग्वालियर चंबल संभाग में, नरेंद्र सिंह तोमर की होम कॉन्स्टिट्युएंसी अंबा वो ग्वालियर चंबल संभाग में, और शिवराज सिंह चौहान को चुनाव के दौर में कहना पड़ा कि देखना यहां से अंबा से भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को जिता देना, क्योंकि यहां के मूल निवासी नरेंद्र सिंह तोमर दिल्ली में नरेंद्र मोदी के बगल में बैठते हैं। तो बड़ा भाजपा के लिए भी ग्वालियर चंबल संभाग बहुत चुनौती का मुद्दा है और वहां के परिणाम अनुकूल अगर ग्वालियर चंबल संभाग के नहीं रहे तो पार्टी के वरिष्ठ नेताओं पर कहीं ना कहीं उंगली उठना स्वाभाविक है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की भी पूरी ताकत ग्वालियर चंबल संभाग में लगी थी। और आपको पुराना इतिहास मालूम है, ग्वालियर चंबल संभाग में चुनाव के दौरान मतदान के दौरान 2-4 जगह गोली चलना। एक मिनट में रुकूंगा, दिग्विजय सिंह का नया ट्वीट आया है। दिग्विजय सिंह ने कहा है कि सुमावली में महिलाओं को वोट डालने से रोका गया है, सुमावली में फिर से मतदान कराया जाना चाहिए। मैं आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा दिग्विजय सिंह के ट्वीट पर। देखिए सुमावली को लेकर कांग्रेस का जो नजरिया सुबह से जो सामने आ रहा है वो कहीं ना कहीं स्पष्ट संकेत दे रहा है कि सुमावली में कांग्रेस पिछड़ रही है। सुमावली क्या है, आप देखिए चुनाव के लिए वोटिंग शुरू हो और उसके तत्काल बाद उम्मीदवार और उसके समर्थक जिला कलेक्टर के पास या एसपी के पास या निर्वाचन पर्यवेक्षक के पास इस बात को लेकर पहुंच जाए कि यहाँ इस तरह से हो रहा है, वोटिंग से लेके लोगों को रोका जा रहा है, तो मतलब उससे एक संकेत मिलने लगता है। और दिग्विजय सिंह का जो अभी ट्वीट आया उसने स्पष्ट करा कि कहीं ना कहीं कांग्रेस सुमावली में अपने आप को कंफर्टेबल पोजीशन में, एजल सिंह कंसाना कभी दिग्विजय सिंह के खास समर्थक थे और उनको बसपा से कांग्रेस में दिग्विजय सिंह के लिए करा। मैं आज से 6 दिन पहले सुमावली में था डीजीएनआई न्यूज की टीम के साथ, हमको वहां लोगों ने कहा कि मतदान के दिन सुमावली में 2-4 जगह गोली चलना मामूली बात है, कोई दिक्कत मतलब उनका कहना कि ये इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में जिस तरह से दो बाहुबली चुनाव लड़ रहे हैं नेचर है। और फिर एजल सिंह और अजब सिंह दोनों बाहुबली। आज सुबह का जो घटनाक्रम हुआ उसमें ऐसा कहा जा रहा, बताया जा रहा कि जितने कुशवा बहुल इलाके हैं वहां के जो मतदान केंद्र है वहां पर बड़े पैमाने पर गड़बड़ी मतलब चुनाव में एक उम्मीदवार अपना पक्ष मजबूत करने के लिए यही करता है कि दूसरे उम्मीदवार के जो प्रभाव का क्षेत्र है वहां पर अगर थोड़ी विवाद की स्थिति बन जाए तो वोटिंग का परसेंटेज कम होने लगता है, लोग मतदान के लिए निकलने से विवाद में परहेज करने लगते हैं, तो उसका फायदा विरोधी उम्मीदवार को मिल जाता है। तो सुमावली में जो हुआ महगांव में गजब की टसल है चुनाव में, आज एक ईवीएम मशीन गड़बड़ी कर रहे थे और मैं जब रोकने गया तो उन्होंने मुझसे विवाद किया और पुलिस ने मुझे ही बिठा दिया अंदर। तो लगातार वहां फिर खबर आई कि ईवीएम तोड़ दी गई, फिर खबर आई कि ओपीएस भदौरिया के जो भतीजे हैं उनका विवाद हो गया। तो लगातार सुबह से खबर आई। गोहद में तो प्रशासन और पुलिस ने निर्वाचन आयोग से सहमति लेते हुए अप्रिय स्थितियां टालने के लिए मुझे लगता है ये बहुत अच्छा कार्य हुआ कि तीनों उम्मीदवारों को एक रेस्ट हाउस के एक कमरे में बिठा दिया कि आप तीनों आपस में बैठो चर्चा करो और शाम को जब 6 बजे मतदान समाप्त हो जाएगा तो हम आपको ससम्मान घर भेज देंगे। आपको ध्यान हो तो 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बहुत कड़ा मुकाबला था भिंड मुरैना संसदीय सीट पे, तब क्या हुआ था, तब जो है डॉक्टर गोविंद सिंह, अनूप मिश्रा और वृंदावन सिंह सिकरवार तीनों को सर्किट हाउस एक होटल में लाहर में, हाँ लाहर तीनों में, को लाहर एक होटल में बिठा दिया कि आप तीनों एक ही कमरे में रहिए, टीवी देखिए और शाम को जब मतदान समाप्त हो जाएगा तब आपको हम घर भेज देंगे। अब आप देखिए कि इंदौर का मध्य प्रदेश का सांवेर विधानसभा क्षेत्र, सांवेर पर भी सबकी निगाहें हैं क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास नंबर वन तुलसी सिलावट चुनाव लड़ रहे हैं। आज सांवेर विधानसभा क्षेत्र में भी हमने सांवेर के कई चुनाव देखे जब प्रकाश सोनकर तुलसी सिलावट आमने सामने होते थे तब भी ऐसी स्थिति नहीं बनती थी, गुड्डू प्रकाश सोनकर के चुनाव खतरनाक चुनाव हुआ पर ऐसी स्थिति नहीं बनी। लेकिन आज कुछ मतदान केंद्रों को लेकर ऐसी स्थिति बनी कि कांग्रेस उम्मीदवार प्रेमचंद गुड्डू ने तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज का जो मतदान केंद्र था वहां
डेरे डाल दिए सुबह से लेकर शाम तक रहे वहां पे, और कई बार वहां विवाद की स्थिति बनी। तो मतलब ये ग्वालियर चंबल के जो निर्वाचन क्षेत्र है वहां पर विवाद की स्थिति तो मतलब अमूमन होती है, हर चुनाव में होती है, लेकिन मालवा निमाड़ में भी कहीं ना कहीं इसकी छाया पड़ी। यहां भले ही गोली न चली, यहां भले ही उम्मीदवारों को नजरबंद न करना पड़ा हो, लेकिन यहां भी कई बार अप्रिय स्थिति बनी। और एक बार तो इंडेक्स मेडिकल कॉलेज वाले बूथ में निर्वाचन पर्यवेक्षक को जाना पड़ा, उनको जाके वहां आईजी को जाना पड़ा। तो बता कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति सांवेर में भी थी। अरविंद जी, मैं उस दिग्विजय सिंह की उस ट्वीट की भी आपसे बात करूंगा जिसमें उन्होंने ईवीएम पर संदेह जताया है। उन्होंने कहा कि इसमें चिप डली रहती है, इसको कोई भी हैक कर सकता है। हालांकि वो उन्होंने कहा कि अमेरिका में जिस तरह से बैलेट पेपर पर वोट हो रहा है उसी आधार पर भारत में मध्य प्रदेश में भी बैलेट से चुनाव होना चाहिए। इसको किस तरह से लेंगे? आज टाइमिंग की बात करूं कि आज चुनाव शुरू होते से उनका ये ट्वीट आया, क्या कहीं ना कहीं उनके मन में डर है कि प्रतीक जी, मेरा कहना है कि दिग्विजय सिंह को कांग्रेस का बहुत फॉरवर्ड नेता माना जाता है, जो बहुत आगे की सोच रख के चलते हैं। दिग्विजय सिंह को यदि ऐसी आशंका थी कि ईवीएम में गड़बड़ी हो सकती है और उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है, या ईवीएम में गड़बड़ी होती है, तो आज से एक महीने पहले या डेढ़ महीने पहले जब चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तब उन्होंने उस मुद्दे क्यों नहीं उठाया? क्यों इस मुद्दे को लेकर वो मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सामने नहीं गए? मेरा सवाल ये टाइमिंग क्यों नहीं गए? मुझे बिल्कुल, ये आप जो बोल रहे हैं बिल्कुल सही बात है कि कहीं ना कहीं कांग्रेस को ऐसा लगा आज सुबह का जो पहले दौर का नजरिया है या पिछले दो दिन से जो घटनाक्रम चल रहा है उसके बाद कांग्रेस को ऐसा लगा कि जो अपेक्षाएं कांग्रेस को है उसके मुताबिक नतीजे मिलते नजर नहीं आ रहे हैं। ईवीएम को लेकर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कह चुका कि यदि आप इसको ये सही नहीं है साबित करना चाहते तो पिछली बार तो मौका दिया था, प्रतियोगिता रखी थी, आइए आप हमारे कार्यालय में और साबित करिए, तब तो कोई गया नहीं बगैर मशीन को हाथ लगा हैक करके। मुझे लगता है दिग्विजय सिंह जैसे सीजन पॉलिटिशियन को इस मौके पर बिल्कुल इन वक्त पर आप जो सही कह रहे हैं टाइमिंग, वो बिल्कुल कहना कहीं ना कहीं जो संकेत दे रहा है आत्मविश्वास की कमी का, आत्मविश्वास की और कमी। सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपने जो है वो छत्तीसगढ़ का चुनाव जीता है, राजस्थान का चुनाव जीता है, पंजाब और मध्य प्रदेश का चुनाव जीता है, खराब नहीं थी लोकसभा चुनाव में ईवीएम खराब हो गई, फिर आशंका जता रहे हैं, तो ये कहीं ना कहीं सवाल खड़ा होता है। और अगर हम बात करें कि साक्षी में बहुत बड़ा वोटिंग हुआ है, सुर्खी जो बहुत ही प्रतिष्ठापूर्ण लड़ाई हो रही है जहां पर भी सुर्खी यहां बड़ा मलहरा, यहां से भी सूचना आ रही है कि बड़ी मात्रा में यहां वोट गिर रहे हैं। देखिए प्रतीक जी, जो बात मैंने आपसे पहले भी कही कि जो हैवी टर्नओवर हो रहा है, ये वो जो परसेंटेज इतना भारी जाता दिख रहा है, इसके दो तीन ही कारण हो सकते हैं, उस पर हम विस्तार से चर्चा कर चुके हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ने आज जीत के जो दावे किए, बीडी शर्मा ने आज फिर दोहराया दोपहर में जब उनकी मीडिया से चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा हम तो सभी 28 सीटों पर जीत रहे हैं। और कमलनाथ ने कहा कि मैं आंकड़ों को लेकर बात नहीं करूंगा लेकिन मैं आश्वस्त हूं, और बार बार ये बात सामने आ रही कि कमलनाथ इस बात को लेकर आश्वस्त है। आज वो सुबह जब गुफा मंदिर गए दर्शन करने उसके बाद से वो कांग्रेस कार्यालय में है, अभी भी वो कांग्रेस कार्यालय में मौजूद है। उनका यही कहना है, कमलनाथ ने स्पष्ट संकेत दिए हैं कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सत्ता में वापसी हो रही है। दोनों के अपने अपने दावे। ग्वालियर चंबल संभाग के नतीजों को लेकर भी कमलनाथ का कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुंह की खाना पड़ेगी। जो स्थितियां आकलन जो कमलनाथ के पास है उसके मुताबिक उनका कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी को मुंह की खाना पड़ेगी, और मतलब भारतीय जनता पार्टी नहीं, एक तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया बहुत नुकसान में रहने वाले हैं। दूसरी तरफ सिंधिया पूरे कॉन्फिडेंस से भरे हुए हैं, उनका कहना है कि ग्वालियर चंबल संभाग की हम केवल क्यों बात करें, हम तो बात करें पूरे मध्य प्रदेश की 28 सीटों की, और हम 28 सीटों पर क्लीन स्वीप करते नजर आ रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान स्पष्ट तौर पर बार बार कह रहे हैं कि मैं मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बरकरार। और अभी ताजी खबर यह है जिसपे मैं आपसे टिप्पणी लाऊंगा, मुरैना के गोटे गांव बूथ पर गोली चल गई है, वहां एक व्यक्ति घायल हुआ है, उसको अस्पताल पहुंचाया गया है। देखिए ये मुझे लगता है कि ये भी वही सुमावली विधानसभा क्षेत्र का, ये मुरैना प्रॉपर का। तो मुरैना में भी आप देखिए कि मुरैना में भी जो गुजर वर्सेस ब्राह्मण जातियां, कारण क्या है, मुरैना में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों के उम्मीदवार गुजर है, रघुराज कंसाना और राकेश मवई, ये दोनों गुजर हैं, और बहुजन समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं राम प्रकाश राजौरिया। वहां मतों का ध्रुवीकरण हो गया भाई, जो
लूजर मतों का विभाजन हो रहा है और बाकी अन्य जातियों के जो मत है वो राजौरिया के पक्ष में उनका ध्रुवीकरण हो रहा है। तो वहां का चुनाव भी बड़ा कश्मकश वाला था। रुस्तम सिंह दो बार वहां से विधायक रहे और पिछले दिनों जब मैं इलेक्शन टूर पे था, मेरी उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने बताया कि मुरैना का चुनाव भी बहुत कश्मकश वाला चुनाव है और यहाँ भी चुनावी बाजी अपने पक्ष में करने के लिए जो उम्मीदवारों के समर्थक हैं वो किसी भी स्तर पे जा सकते। तो उसी का नतीजा हमको दिख रहा है कि अभी चुनाव मतदान का जब खत्म हुआ, खत्म होते होते ही खबर आ रही कि मुरैना के एक निर्वाचन पोलिंग बूथ पर भी गोली चल गई। देखिए पिछली बार इन 28 विधानसभा क्षेत्र में 63.7 के करीब वोटिंग हुआ था और अभी तक इन 28 विधानसभा क्षेत्र में 66.6 के आसपास वोटिंग हो चुकी है, मतलब 3% का टर्नआउट बड़ा है। और मुझे तो लगता है प्रतीक जी ये 2-3% और बढ़ेगा। हाँ ये अभी बढ़ेगा, अभी तो लाइन पे लोग खड़े हुए हैं, उनको टोकन दे दिए गए हैं, अभी मतदान समाप्त तो नहीं हुआ है, मतदान का समय खत्म हो गया लेकिन मतदान जारी है क्योंकि जो लोग लाइन में आ गए हैं चुनाव आयोग की गाइडलाइन के अनुसार उसको उनको कूपन दीजिए, टोकन दीजिए और वोटिंग करवाइए। तो अब ये जो पूरा मसला है ये हैवी टर्नआउट पर आकर रुक जाता है और ये बड़ा हुआ वोट किसका, ये सवाल है जो कौन बनेगा करोड़पति स्टाइल में कि बड़ा हुआ वोट किसका। और इस पर सारे राजनीतिक समीक्षक कयास लगा रहे हैं, आप और हम भी कयास लगा रहे हैं, सारी पार्टियां दावा कर रही हैं कि बड़ा हुआ वोट हमारा है, लेकिन ये बड़ा हुआ वोट कहीं आक्रोश का वोट रहा, कहीं नाराजगी का वोट रहा कि हमने आपको जिस जो मैंडेट दिया था उसके साथ आपने धोखा किया, आप पार्टी छोड़कर चले गए, और जो नारा था टिकाऊ बनाम बिकाऊ और गद्दारी का, और जो एक शगुफा चल गया था कि हर विधायक जो है बिका है, क्या उसने कांग्रेस को मदद की? देखिए बड़ा हुआ टर्नआउट आपका कहना सही है, बिल्कुल ये अनुमान भी बिल्कुल सही है और इससे हम एक सिरे से नकार भी नहीं सकते कि आक्रोश का वोट भी हो सकता है। क्योंकि आप एक बात बताइए कि आप और हम जिसने एक जनप्रतिनिधि को 5 साल के लिए चुना, अपना उसे मत दिया, वह जनप्रतिनिधि 1.5 साल बाद सदस्यता अपनी खो दे, जिस राजनीतिक दल से वो चुनाव लड़ा था उसका साथ छोड़ दे और दूसरे राजनीतिक दल से जुड़ जाए और उस पर आरोप लगे कि ऐसा उसने भारी पैसा लेकर किया है, तो जनता की आशाओं पे तो तुषारापात होना ही। मैं आपको रोकूंगा, भिंड से बड़ी खबर आ रही है, मतदान समाप्त होने के बाद भिंड के पोलिंग क्रमांक 65 के बाहर गोलियां चली है, भिंड 65 पोलिंग क्रमांक। हाँ ये महगांव विधानसभा क्षेत्र का ही पोलिंग है 65 और उसके बाद उसके बाहर गोलियां चली क्योंकि अंतिम दौर में आकर महगांव का चुनाव भी बड़ा कश्मकश वाला हो गया था। पहले ये कहा जा रहा था कि मंत्री ओपीएस भदौरिया सुरक्षित है, मंत्री ओपीएस भदौरिया की राह आसान है, लेकिन बाद में वहां जिस तरह से जातिगत आधार पर अंतिम 3-4 दिनों में मतों का ध्रुवीकरण हुआ उसके बाद ओपीएस भदौरिया बड़े बेचैन थे और जिस तरह की उनकी टिप्पणियां सामने आ रही थी, जिस तरह से उनका फ्रस्ट्रेशन सामने आ रहा था, उससे ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं वो अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। और अम्बान में गांव में भी जो है वो इसलिए कि दोनों उम्मीदवार न धनबल में कमजोर है न बाहुबल में कमजोर है और उनका साथ देने वाले बाहुबलियों की भी कमी नहीं थी, इसलिए महगांव में भी दोपहर बाद से लगातार विवाद की स्थितियां बनती रही। और अभी खबर आई जैसा आपने बताया कि भिंड महगांव विधानसभा क्षेत्र के किसी पोलिंग बूथ पर गोली चल गई। जहाँ इतना हैवी टर्नआउट है वहाँ डबरा, जहाँ से इमरती देवी चुनाव लड़ रही है और सुरेश राजे उनके समधी चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ 57-58% वोटिंग की वहाँ चर्चा है। प्रतीक जी, इमरती देवी को लेकर हम बात अगर करें तो जैसा आपने कहा कि दूसरे विधानसभा क्षेत्रों में हैवी टर्नआउट हो रहा है, बहुत प्रतिशत बढ़ रहा है, उसके 2-3 संकेत हमने दिए। अगर हम उसी उन्हीं संकेतों से इमरती देवी की कांस्टिट्यूएंसी को जोड़ें तो अगर वहां कम प्रतिशत हो रहा तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं इमरती देवी के प्रति जनता की नाराजगी है। यदि हम एक पक्ष से बात करें, एक पैमाने को ले हम कि बड़ा हुआ टर्नआउट, कहीं टर्नआउट जो है वो कहीं ना कहीं बीजेपी को फायदा पहुंचाने वाला है, तो उस हिसाब से फिर इमरती देवी को सीधा नुकसान हो रहा। और मैं आपको बताना चाहूंगा कि हम जब डबरा में थे तो हमने जिन 100 लोगों से एक पैमाने नहीं इसको बता रहा हूं मैं आपको, हमने अगर 100 लोगों से बात की तो उनमें से 85 लोगों ने हमें इमरती देवी को लेकर नाराजगी जताई, 85 लोगों ने हमसे कहा कि इमरती देवी चुनाव हार रही हैं क्योंकि उन्होंने मतदाताओं की अपेक्षा पे खरी नहीं उतरी है, उन्होंने हमारे साथ न्याय नहीं किया है, उन्होंने यहाँ जम के भ्रष्टाचार किया, ऐसा हमको 100 में से 85 लोगों ने बोला था। और अगर मैं आगरा, अगर मैं मालवा और निमाड़ की बात करूँ तो अगर मैं 80% की वोटिंग क्रॉस हो चुकी है, हाटपिपले में 80% की वोटिंग क्रॉस हो चुकी है, मानदादा में 75 से पार हो चुका है और नेपा नगर में 73 के पार वोटिंग चली गई है, तो ये मालवा निमाड़ की जो 7 सीटें हैं
ये बहुत महत्वपूर्ण हो गई है। यहाँ पर कैलाश विजयवर्गीय की प्रतिष्ठा दांव पर है, कैलाश विजयवर्गीय ने काफी यहाँ पर काम किया है। तो ये 7 सीटों का समीकरण और जो भाजपा को नुकसान हो रहा है चंबल में, जैसा कि आप बता रहे हैं, तो वो नुकसान क्या मालवा निमाड़ की सीटें पूरा करके देंगी? देखिए प्रतीक जी, जब भारतीय जनता पार्टी के पास एक स्पष्ट आकलन आ गया था कि ग्वालियर चंबल संभाग में उससे अपेक्षित सफलता नहीं मिल रही है, जितनी सीटों की उसकी अपेक्षा है, जितनी सीटों पर जीतने का उसका कैलकुलेशन है, वह कहीं विफल हो रहा है, तब भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 15 दिनों में मालवा निमाड़ की सीटों पर बड़ा जोर लगाया। 7 सीटें हैं और यहाँ के परिणाम सत्ता के फैसले में बहुत अहम भूमिका निभाएंगे। जो ग्वालियर चंबल के हालात हैं उसको देखते हुए मालवा निमाड़ के परिणामों पर सबकी नजर है, क्योंकि यहाँ से अब जो फैसला होगा, तो कहा जा रहा है कि 4 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी बहुत सुरक्षित है। मंत्री तुलसी सिलावट, पूर्व मंत्री तुलसी सिलावट की सीट, राज्यवर्धन सिंह दत्तीगांव की सीट, मंत्री हरदीप सिंह डंग की सीट और हाट पिपलिया की सीट, जिसपे बहुत मेहनत पार्टी ने की है, उनको माना जा रहा है। आगर और मानधाता को लेकर पार्टी में बड़ी मतलब अटकलबाजी की स्थिति थी, पार्टी के नेता संतुष्ट नहीं थे। कुछ नेताओं का कहना था जीतेंगे, आगर को लेकर कहना था कि चूंकि संघ की प्रतिष्ठा दांव पे, मनोज उंटवाल संघ का टिकट है, संघ के कहने पे टिकट मिला, इसलिए वहां पार्टी पूरी ताकत झोंकेगी। लेकिन इन तीनों विधानसभा क्षेत्रों को, आगर, मानधाता और नेपानगर को लेकर कुछ भी नहीं कहा जा सकता। मतलब यहाँ की जो स्थितियां अंतिम दौर तक बनती बिगड़ती रही, उसने बड़ा पशुपेश में डाल रखा है सबको। और ये कहा जा रहा है, अभी के मिश्रा ने ट्वीट किया है, कांग्रेस के प्रवक्ता है, उन्होंने ट्वीट किया है कि कुछ जगह पर प्रायोजित हिंसा हुई है। ये प्रायोजित हिंसा का क्या मतलब है? नहीं, प्रायोजित हिंसा से मुझे लगता है कि के मिश्रा का आशय होगा कि जैसे सुमावली में हिंसा हुई, तो सुमावली में जो सुबह से बात चल रही है कि जो अजब सिंह के प्रभाव वाले पोलिंग बूथ है उन पर हिंसा हुई, तो मतलब उनका ही उससे स्पष्ट है कि के मिश्रा हिंसा कर दो ताकि वहां का वोट प्रभावित हो जाए, लोग एक बार आ गए फिर दूसरी बार नहीं आते। मेगा में अगर हिंसा हुई है, गोली चली है, तो उससे स्पष्ट है कि जो हेमंत कटारे के प्रभाव वाले क्षेत्र है वहां पर वोट मतदान को बिगाड़ने के लिए इस तरह के प्रयास हुए। तो एक जो के मिश्रा का ट्वीट आ रहा है उसका तो मुझे यही अर्थ लगता है। ये मध्यप्रदेश में पहली बार ऐसा चुनाव हुआ है जिसमें अरविंद जी मुस्लिम वोट्स की बात नहीं हुई है, मुसलमान कहीं फोकस में नहीं था, पिक्चर में नहीं था, उसका किस जगह पे कितने किस क्षेत्र में कितना उसका वोट है इसका जिक्र नहीं किया गया। आपने देखा, हमने भी कई बार बहस में बहुत सारी जातियों की बात करते रहे, हम ठाकुर कितने हैं, ब्राह्मण कितने हैं, गुजर कितने हैं, जाटव कितने, मुसलमानों की बात नहीं हुई। क्या अल्पसंख्यक वोट मध्य प्रदेश में अब अप्रासंगिक हो गया? मुझे तो आज ऐसा नहीं लगा, क्योंकि सांवेर कस्बे में अल्पसंख्यक बहुल मतदान केंद्रों पर जिस तरह से मतदान के लिए लंबी लाइनें लगी थी, उससे मुझे ऐसा नहीं लगता कि अल्पसंख्यकों के मतलब खासकर मुस्लिमों के वोट को अनदेखा किया गया। तुलसी सिलावट बड़े फेवरेट कैंडिडेट रहे मुस्लिमों के, और महमूद खान जो उनके मैनेजर हुआ करते हैं, एक तरह से पॉलिटिकल मैनेजर होते हैं, मुस्लिम वोटों को लेते हैं। क्या आप सावेर में थे, क्या लगता है कि मुसलमान वोट पार्टी लाइन से ऊपर उठकर तुलसी सिलावट को वोट देगा? मुझे ऐसा लग रहा है, जिस तरह की मेहनत अपनी निजी टीम के माध्यम से की है तुलसी सिलावट ने, वो भारतीय जनता पार्टी के भी जितने अल्पसंख्यक नेता थे इंदौर के, वो सावेर में सक्रिय थे। मुझे ऐसा लगता है कि कांग्रेस के इस परंपरागत वोट बैंक में कुछ हद तक तुलसी सिलावट सेंध लगाने में सफल रहे। एक आखिरी सवाल प्रतीक जी, जाति के समीकरण पर बात चल रही, एक और अच्छा मतलब एक विषय और मेरे ध्यान में आया कि ग्वालियर चंबल संभाग में इस बार एक बड़ा बदलाव देखा गया है कि बसपा के 2-3 उम्मीदवारों को छोड़कर, जैसे मुरैना हो गया, करेरा हो गया, जोरा हो गया, एक सीट और है महेंद्र बोध की सीट भांडेर है, इन 1-2 सीटों को छोड़ मतलब 3-4 सीटों को छोड़कर बाकी सीटों पर बिल्कुल ये इस बार तय है कि जो एससी का वोट है, अनुसूचित जाति का वोट है, वो बसपा को जाता दिख नहीं रहा है, क्योंकि वहां पर जो उम्मीदवार खड़े हुए हैं वो महज खानापूर्ति के लिए खड़े हुए, इन 4 उम्मीदवारों को छोड़ दे तो खानापूर्ति के लिए खड़े हुए। और अनुसूचित जाति के लोगों का स्पष्ट कहना था, मेरी भी कई मोहल्लों में गया, बस्तियों में गया, बात हुई कि हम इस बार अपना वोट व्यर्थ नहीं जाने देंगे। तो ग्वालियर चंबल संभाग में भारतीय जनता पार्टी की चिंता का एक बड़ा विषय यह भी है कि इस बार अनुसूचित जाति का वोट इन उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी के हाथ से खिसकता नजर आ रहा है। और एक आखिरी सवाल मेरा कि क्या ये जो कांग्रेस के 25 लोग छोड़कर आए हैं, ये अपने परंपरागत वोटर जो इनका इनको कांग्रेस में रहते हुए मिलता था, क्या कांग्रेस के वोटर जो परंपरागत वोटर है उसका 10-15% भी ये भारतीय जनता पार्टी में खींच के ला पाएंगे? देखिए प्रतीक जी, कहीं ना कहीं उम्मीदवार के जो निजी संबंध रहते हैं, उसकी सालों की जो राजनीतिक तपस्या रहती है, उसका नतीजा रहता है कि वो एक बड़ी संख्या में लोगों को अपने साथ व्यक्तिगत लगाव करने में भी
पर्सनल लेवल पे जोड़ने में भी कामयाब हो जाता है। और मुझे लगता है कि 10-15% वोट जो लोग अब तुलसी सिलावट 5 चुनाव लड़ चुके हैं, तो सांवेर में एक हद तक जो कांग्रेस का, जब वो कांग्रेस के कमिटेड लीडर, मतलब भारत सिंह चिमली, हुकुम सिंह साखला, दिलीप चौधरी जैसे कांग्रेस के कमिटेड लीडर्स को अपने साथ तोड़ के ले आए, तो निश्चित तौर पर कांग्रेस का जो उनका एक वोट बैंक था जिससे उनके पर्सनल लेवल पे 1-to-1 रिलेशन बन गए थे, उसमें तो कहीं ना कहीं वो सेंध लगाने में सफल होंगे। चलिए, कयासों का दौर, अटकलों का दौर और समीक्षाओं और ये तमाम विश्लेषणों का दौर 10 तारीख की सुबह तक चलता रहेगा। हकीकत सामने आएगी 10 तारीख के दोपहर तक, जब इन 28 सीटों की मत मशीनें ईवीएम खुलेंगी और तब हमको पता चलेगा कि महाराज साबित हुए या नहीं, या मामा का को भांजों का प्रेम मिल पाया या नहीं, या कमलनाथ जिन्होंने एकला चलो की नीति अपनाते हुए बहुत मेहनत की है और पूरी कांग्रेस को उन्होंने झोंक दिया है, वो अपने जुनून में, अपनी मकसद में किस हद तक कामयाब हुए हैं। तब तक के लिए देखते रहिए डिजाइनर न्यूज़, खबरों का सिलसिला जारी है, जारी रहेगा। नमस्कार।